नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पाक की नापाक हरकत, 2000 के नकली नोट बांग्लादेश के रास्ते भारत में। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार 2000 रुपए के नकली नोट पाकिस्तान से भारत में बांग्लादेश के रास्ते आ रहे हैं। अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और बीएसएफ ने हाल ही में कई लोगों की गिरफ्तारी और नकली नोट जब्त किए जाने पर मिली है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन नकली नोटों में 17 से 11 सुरक्षा मानकों की हूबहू नकल की गई है। नोटबंदी के बाद 2000 और 500 के नोट ये कहते हुए जारी किए गए थे कि इनकी सिक्योरिटी फीचर को कॉपी करना आसान नहीं होगा, इससे जाली नोटों की तस्करी रोकने में भी मदद मिलेगी। हालांकि नए नोटों की एक खास विशेषता भी पाकिस्तान में बैठे नकली नोट तस्करों पर नकेल कसने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने आशंका जाहिर की है कि जल्द ही ये नकली नोट भारतीय बाजार में पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश बॉर्डर से अब तक कई लोगों को जाली नोटों के साथ पकड़ चुके हैं। ताजा मामला 8 फरवरी का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अजीजुर रहमान नामक शख्स को 2000 के 40 नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि जाली नोटों को ISI की मदद से पाक में छापा गया, जिन्हें बांग्लादेश सीमा से भारत लाया गया। हर 2000 के नोटों के लिए तस्करों को 500-600 रुपए देने होते थे। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की माने तो नए नोटों के फीचर्स पुराने 1000 और 500 नोटों के समान है। इनमें कोई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर नहीं डाले गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक नोटों के सुरक्षा फीचर में बदलाव करना बहुत बड़ा काम है, इसके लिए कई स्तर पर विचार विमर्श करना पड़ता है। आखिरी बार भारतीय नोट के सुरक्षा विशेषताओं में 2005 में बदलाव किया गया था। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पनीर सेल्वम के साथ आए सांसद शशिकला का दावा, 129 विधायक उनके पक्ष में। नौकरियों के बाहर करीब 3 लाख नए केंद्रीय कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। जर्मनी में ट्रंप विरोधी फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर चुने गए नए राष्ट्रपति। दृष्टिहीन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर भारत बना विश्व चैंपियन। ट्रंप की धमकी बेअसर, उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण।